हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस बार हम जा रहे हैं कोंडा रेड्डी फोर्ट, जो कि कर्नूल शहर में है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का क्या क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है। तो लेट्स गो कोंडा रेड्डी फोर्ट और कर्नूल फोर्ट। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच कोंडा रेड्डी फोर्ट। यही है वो कोंडा रेड्डी फोर्ट जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, और ये हिस्ट्री है कोंडा रेड्डी फोर्ट का। गेट के पास फ्रेंड के साथ में कोंडा रेड्डी फोर्ट का लुत्फ उठाते हुए नीचे से अभी हम ऊपर की ओर जाएंगे। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से होते हुए सीधे जाने पे आपको पहले सीढ़ियाँ मिलेगी, सीढ़ियों से होते हुए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। एंड वेरी ब्यूटीफुली वेल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो कोंडा रेड्डी फोर्ट है वो 12th सेंचुरी में बाय द किंग ऑफ देवरैया टू एंड अच्युतरैया द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो स्टोन एंड मड्स का यूज हुआ है। और इस किले की सबसे अच्छी खासियत यह है कि जब ये किला बना उस समय इसमें बहुत सारे टनल्स और गेट्स बनाए गए थे, जो कि युद्ध के समय बाहर निकलने के लिए काम आता था। और जो इसका बेसमेंट है, जो कि नीचे जो टनल्स बने हुए, अभी गवर्नमेंट ने सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया है, जो कि कोई भी जा नहीं सकता वहाँ पे। यही वो गेट्स है जहाँ पे नीचे जाने के बाद बहुत सारे टनल्स और सुरंग्स बने हुए हैं, जिससे कि युद्ध के समय यूज किया जाता था सुरक्षित बाहर निकलने के लिए, जो कि अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। और ये जो फोर्ट है कोंडा रेड्डी फोर्ट, ये 17th सेंचुरी पे कोंडा रेड्डी, जो कि आखिरी शासक थे यहाँ के, उनके नाम पे रखा गया है। कैदी खाना है क्या यहाँ पे? शायद कैदियों को किसी को रखा जाता था, पता नहीं, हमारे को आइडिया है नहीं। ये भी एक टेनेंस या गेट्स के रूप में यूज होता होगा उस समय। ये ऊपर जाने का है और ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता है। इसका कंस्ट्रक्शन ना सीमेंट नहीं, सर लेमन से होगा। पूरा स्टोन ही है ना? पूरा स्टोन है। पहले के जमाने में इतना भारी भारी पत्थर लाता कैसे होगा इन लोग? और उस समय का बनाया हुआ देखो, अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग है। और आज के डेट पे बनता है तो पूरा ये हो जाता है, खराब हो जाता है। जॉइंट करता ना सर, जॉइंट लाइमस्टोन और लेमन का देता है, लेमन जूस। यहाँ से बाहर का सिटी दिख रहा है। फाइनल यही जो तस्वीर में दिखता था। सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच ऑन द टॉप फ्लोर। और यही है वो लास्ट टावर, जो कि उस समय ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज किया जाता था, घरों का ऑब्जर्वेशंस करने के लिए, दूर देखने के लिए। टोटल इसमें तीन टावर बने हुए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे ये लास्ट टावर है। देखते हो कितना मोटा मोटा सीढ़ी है, पैर फिसलने का भी डर है इसमें।
नहीं, सब लोग चल चल के ये ऐसा हो गया था, स्लिपरी हो गया। और बोल्ट भी डाले हो, कोई बनाया था ना? हाँ, कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी। और वे रिटर्निंग में वापस जाते हुए नीचे से एक बार और लुत्फ उठाते हुए कोंडा रेड्डी फोर्ट का, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोर्ट, वेल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। नीचे के सतह में तो नहीं जा पाए वो टनल्स और कैप्स देखने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉम ऑफ वहाब खान। और ये है टॉम ऑफ वहाब खान, जो कि अद्भुत कलाकृतियों का बना हुआ है। टॉम ऑफ वहाब खान कलाकारी है इस टॉम में, बट ब्यूटीफुल है, अच्छा बनाया हुआ है। सो दीज आर द फ्यू ग्लिम्स अवेलेबल एट कर्नूल सिटी। सो व्हेनेवर यू केम हियर प्लीज लुक, दीज आर द ग्लिम्स ऑफ कर्नूल सिटी। एंड आफ्टरवर्ड्स पूरा हिस्ट्री भी दिया हुआ है। वी आर गोइंग टू सी वन मोर। अभी अंदर जाना मना है ना, जो कि बहुत ही पुराना चर्च है यहाँ पे। और ये रिटर्निंग में चर्च की ओर जाते हुए हम लोग फोर्ट बीच में आता है, और यही वो चर्च है जो कि काफ़ी पुराना चर्च है कर्नूल सिटी का, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में है। Thank you so much for watching my video. If you like it, please like my channels and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.